हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटो केयर। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त विप्लव। जुलाई की महीना, इस जुलाई की महीना मतलब बरसात की महीना है। इस बरसात की महीना में हमें हमारा गुलाब की जो पौधा है उसे कैसे केयर करूं, कैसे केयर करने पर हमारा गुलाब की पौधा हेल्दी रहेगा, चलिए शुरू करें। बरसात की महीना में हमारा गुलाब की मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है फंगस की प्रॉब्लम। गुलाब पानी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल नापसंद है। गुलाब की मिट्टी बिल्कुल पोरस क्वालिटी की होना चाहिए। अगर आपका जो मिट्टी है और जो जिस मीडिया में आपका गुलाब है, अगर वो मीडिया ज़्यादा देर तक पानी रुक लेता है तो गुलाब की जड़ खराब होने की बहुत बड़े संभावना रह जाते हैं। इसलिए बरसात में हमें गुलाब की पट में फंगिसाइड डालना चाहिए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम साफ मिलाकर 4 पट में डाल देना चाहिए। ये काम हमें महीना में 4 बार अर्थात हफ्ते में 1 बार करना चाहिए। खाली मिट्टी में ही नहीं, फंगिसाइड की इस्तेमाल हमें पौधे पर भी करना चाहिए, क्योंकि बरसात की महीना में बारिश ज़्यादा होने पर गुलाब की पौधे पर फंगस की अटैक ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ये जो सफ़ेद धब्बा दिख रहे हैं ये फंगिसाइड के ही निशानी है। 2 दिन पहले मैंने फंगिसाइड स्प्रे किया था, वो दाग अभी भी रह गए। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम साफ फंगिसाइड मिलाकर 7 दिनों में 1 बार पूरी पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। बरसात के टाइम में दूसरा जो बीमारी हमारा गुलाब की पौधे को ज़्यादा परेशान करता है वो है स्केल की बीमारी। अगर हम लोगों को पहले से जानकारी नहीं है स्केल क्या है, ये बीमारी हमारा गुलाब पौधे को नष्ट कर देता है। स्केल ऐसा एक कीड़ा है, गुलाब की डालियों में ऐसा चिपक के रहते हैं, बाहर से आसानी से समझ में नहीं आता ये एक कीड़ा है। डालियों में चिपक के रस चूस चूस के खा जाता है और हमारा पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इस कीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हमें मेलाथियन 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन अंतर अंतर छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव करने का टाइम जिस डालियों में कीड़ा चिपक के बैठे हैं उस डालियों में ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करना चाहिए। बरसात में हमारा गुलाब की पौधे पर पुराना फूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा सूखा हुआ और मुरझाए हुए फूलों को पौधे से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जब बरसात के पानी फूलों पर गिरेगा और वो पानी फूलों के अंदर जम जाएगा तब उस पानी से फंगस के अटैक आ जाएगा। सूखा हुआ फूल को कट करने का दूसरा जो कारण है वो है जो सीड पड रहते हैं उस सीड पड में सीड बनते हैं। सीड बनने के लिए पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। हम लोग ये चाहता ही नहीं कि हम लोगों का जो पौधा वो सीड बनाने में उसका एनर्जी लॉस करे, इसलिए हम सूखा हुआ फूलों को पौधे से काट कर देंगे। बस यही था बरसात में गुलाब की पौधे को स्वस्थ रखने का कुछ टिप्स। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करें तो आपका गुलाब की जो पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आने वाले ठंडाई की टाइम में आपके गुलाब फूलों से भर जाएगा। आप भी आपका पौधे की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।